बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज जुम्मे का दिन है, तो मैंने आज छुट्टी की है, तो आज मेरा दिल किया है मच्छी पकाने को। तो आज मैं बाज़ार जा रहा हूँ मच्छी लेने के लिए, तो देखते हैं वहाँ मच्छी का रेट क्या है। तो 1 किलो मच्छी ले के आता हूँ और पका के खाते हैं। तो आइए मेरे साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक इन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। जी अभी मैं मिसाला पहुंच गया हूं और यहां से मिसाला ले वापस बनाना है। थोड़ा जा पाए ये 50 रुपए दे प्याज करने नहीं ते 30 दा आधा 50 दा मिसाला पाया है भाई जी। अब मैं मंडी में गया था, वहाँ से मिसाला ले लिया, लेके वापस आ रहा हूँ घर। और घर पहुँच के बाकी काम करूँगा, तो मेरे साथ ही रहना। अभी मैं पहुँच गया हूँ घर, तो मैं ये मिसाला जो है अलग अलग किया है, इसको अभी मैं तैयार करता हूँ। तो आप देखिए मैं तैयार कैसे करता, आज आपको फ़िश बना के दिखाता हूँ मैं। ओके मेरे साथ रहना। अभी मैं ये घी डाल के इसको गरम कर रहा हूँ, और गरम होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे और डाल के फिर इसको ब्राउन करूँगा। अभी मैं प्याज डाल दिया है इसमें और ये मसाला तैयार कर रहा हूँ हरा जो डालना है इसमें। ये अभी मसाला इसमें डाल रहा हूँ। मसाला मैंने तैयार किया और तैयार करके उसमें फ़िश डाल दी है, तो उसको अब पका रहे हैं। जी अभी मच्छी तैयार हो गई है। साथ में नींबू भी डाले हैं। ये देखिए मसाले में मच्छी डाल के तैयार कर दी। मछली हो गई तैयार, हो गई तैयार। थोड़ी देर रहती है वो भी हो जाएगी। जी अब
ये अब पक के तैयार हो गई है, देखिए। ये बनाई है शोरे वाली मच्छी। अभी मैं मच्छी को तैयार कर ली है, तो अब मैं रोटी पकाने लगा हूँ। रोटी पका के खाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कैसी लगी है। साथ साथ रहना। जी ये मेरी अम्मी जान है, ये अभी रोटी पकाने लगी हैं। आंटी मैंने पकाई और रोटी मेरी अम्मी जान पकाने लगी है। देखिए अभी तवा गरम हो रहा है, ये देखिए। मेरी अम्मी जान रोटी पका रही है। रोटी अब तवे पे डाल दी है अम्मी मेरी ने। जी ये मछली तैयार हो के आ गई और साथ में रोटी भी पक गई है और मैं अब खाने लगा हूँ। आपको बताता हूँ कितने मज़ेदार है। ये देखिए ये मछली है, बहुत लगातार खुद पकाई है, खुद ही कह रहा हूँ मज़ेदार है। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक है, नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।